सहकारी संस्था में किसानों के खाते नहीं खुलने से नाराज कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही संस्था के गेट पर किसानों की मांग पत्रों को चस्पा कर दिया। कांग्रेसी नेताओं ने किसानों की सुनवाई नहीं होने के पीछे सरकार की मंशा पर भी सवाल किया। देवास जिले के खातेगांव की सहकारी संस्था में किसानों के साथ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि किसानों के सहकारी संस्था में खाते नहीं खुल पा रहे हैं, उनसे चक्कर लगवाए जा रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को मामले से अवगत कराया था लेकिन काम करवाने की बजाय पुलिस के दम पर शासन चलाने की भाजपा की जो मंशा है उसे निश्चित रूप से हम विफल करेंगे और आने वाले समय में यदि हमें सड़कों पर आकर इन किसानों के लिए लड़ाई लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान बहुत परेशान है और बारिश का समय आ चुका है और हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता द्वारा और ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा पहले सूचना दी गई थी, उसके बाद यहाँ से सेक्रेटरी लापता है और यहाँ के सगे कर्मचारी लापता है। उन्होंने यहाँ पर यह बताने के लिए पुलिस जरूर पहुंचाइए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कर्नाटक में तो 40% और मध्य प्रदेश में 80% भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश और पूरे कन्नौज खातेगांव में विधानसभा में भारी भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है। नाम पे खाता है उनके नाम से धोए पंजीनिया सब 152 क्विंटल गेहूं तुले हैं, 15 अप्रैल को गेहूं तुले हैं, इसका पैसे अभी तक नहीं आया, मात्र 25,000 रुपए आए खाते में। मैं सोसाइटी के और सभी के बहुत खतरनाक तरीके से चक्कर काट चुका हूं पर अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया। क्या 3,23,000 रुपए है मेरे, उसमें से मात्र 25,000 रुपए खाते में आए, बाकी पेमेंट नहीं आया अभी तक। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि जनता बहुत परेशान थी, यहाँ पर जो यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए वो ठीक से हो नहीं रहा था, बहुत से लोगों के खाते नहीं खुले थे, उनको चक्कर लगवाए जा रहे थे, बोनी का समय नज़दीक है, लेन देन का समय, किसान परेशान हो रहा है, तो ऐसे दृष्टिकोण के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोचा था कि हम यहाँ पर आए। पूर्व में अवगत करा दिया था कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देने आएंगे, यहाँ पर अधिकारी तो मौजूद नहीं लेकिन पुलिस जरूर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के दम पर शासन चलाने की भाजपा की जो मंशा है उसे निश्चित रूप से हम लोग विफल करेंगे। आने वाले में कल में अगर सड़कों पे आकर इन किसानों के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।